ना तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। स्वामी जी वो कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट डालता है। गेंडा स्वामी, हम तुम्हें सिर्फ ये बतलाने आए हैं, अगर तुमने हमारे तिरंगे के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और न ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी, और फिर तुम्हारा अंजाम वही होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग काम, समय और दूरी पर अगले टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो विद्यार्थी फार्मूला वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, यही फार्मूला है। इसी के आधार पर सभी सवाल सॉल्व करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलें तो वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे। तो सोल्यूशन देखा जाए विद्यार्थी, तो ये है 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर, इनके बीच की दूरी दिया 1200 मीटर, दो व्यक्ति खड़े हैं, ए बी मान लेते हैं, वे एक दूसरे की ओर, ये है 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट से आ रहे हैं, कितने समय में वे मिलेंगे। तो हम मान लेते हैं कि वे जो है यहां पर कहीं मिलेंगे पी पर, तो उस दौरान टाइम क्या होगा, टी होगा। जब भी मिलेंगे वो समय तो सेम होगा, समय तो वही होगा जब भी वो मुलाकात करेंगे। तो जो हमारे पास जानकारी है ए पी प्लस पी बी, वो दूरी कितना है टोटल 1200, बस दूरी बराबर चाल गुणे समय। फिर ये गुणा करेंगे, यहां देखिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यस, तो चाल दिया कितना, 5 गुणे समय टी प्लस 10 गुणे समय टी बराबर 1200, तो 10 5 15 टी बराबर 1200, तो 15 120 टी बराबर 80 मिनट आ गया। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन बी करेक्ट है, मतलब काफी सरल क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था कि x प्लस वाई आप मान लेते, x प्लस वाई बराबर 1200, तो दूरी बराबर चार गुणे समय, 5 मीटर प्रति मिनट गुणे समय टी, और ये इधर इतना दूरी तय किया चार गुणे समय 10 गुणे टी, तो समय तो वही रहेगा जब भी वो दोनों मिलेंगे, तो जब वो अपना घड़ी देखेंगे तो उनका टाइम जो भी रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, तो मान लेते हैं समय क्या है टी। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापिस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि आने जाने में वह कुल 5 घंटे का समय लेता है तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी है। तो हम मान ले रहे हैं कि कॉलेज से जब घर पे जाता है तो T1 समय और लौटता है तो T2 समय लेता है, और टोटल समय है 5 घंटा। तो विद्यार्थी हम मान लेते हैं कि कॉलेज से घर के बीच की दूरी कितना है, x है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी है x बटे चाल कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, 2 हो गया, और फिर लौट रहा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो टोटल घंटा कितना हो गया 5।
बस खत्म हो गया, ये सॉल्व कर लीजिए, आंसर है आपका। तो एक्स काम ले लीजिए, 1/2 + 1/3 = 5। तो एक्स ये हो जाएगा 1/2 + 1/3, ये 5/6 होगा बराबर 5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर 6 किलोमीटर। तो कॉलेज और स्कूल के बीच की दूरी जो है 6 किलोमीटर है। इस आधार पर विद्यार्थी क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो घर से स्कूल, इसे होम बनाइए, इसे कॉलेज कर दीजिए। तो घर से जो है स्कूल जा रहा है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लौट रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो जाने में हम मान लेते हैं T1 समय लगा होगा, लौटने में हम मान लेते हैं T2 समय लगा होगा। तो कुल समय दे दिया है कितना, 5 घंटा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो होम, घर और स्कूल के बीच की दूरी हम मान ले रहे हैं x, वो तो हमेशा आने जाने में वही रहेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल बराबर 5 घंटा। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। तो विद्यार्थी आप इससे कॉपी कर लीजिए, तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक दूरी तय की तथा वही दूरी वापसी में उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर तय की। यदि आने जाने में उसे कुल समय 5 घंटा 48 मिनट लगा होगा तो दूरी थी, तो हम मान लेते हैं दूरी x थी। यस, उनके बीच की दूरी कितना थी, x थी। तो x किलोमीटर दूरी उसने तय किया रेलगाड़ी से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर लौटा है वापसी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल लौटा है, और कुल जो समय लगा वो हमको दिया है। तो फिर विद्यार्थी वही चीज, कुल समय T1 + T2 हमको दे दिया है 5 घंटा 48 मिनट। तो जो चाल दिया विद्यार्थी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो टोटल समय को घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये 5 घंटा हमारा कंप्लीट है और प्लस 48 मिनट है, 48 मिनट को हम घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिए, बस इतना आ गया हमारा। अब समय बराबर दूरी बटे चाल है, दूरी x है, बटे किस चाल से गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर समय बराबर दूरी बटे चाल, लौटा कितने से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इतना आया बराबर। तो 5 + 12 = 48, 12 + 25 = 60। ये सरल कर लीजिए थोड़ा। अब यहां से x का मान ले लीजिए, तो 1/25 + 1/4 इतना है बराबर, 5 × 25 = 29/5 आया। यहां देखिए तो 100 इसका एलसीएम ले लीजिए, 25 × 4 = 100 और 4 × 5 = 29 में बराबर 29/5। हाँ तो यहां हो जाएगा x × 29/100 = 29/5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, ये 100 यहां का चला जाएगा, तो 100/5, 5 × 2 = 10, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर इस आधार विद्यार्थी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को 20 से 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी। तो ये विद्यार्थी है दूरी आपका, हम मान ले रहे हैं कितना है, x है। तो a बराबर ऐसे b कर दीजिए टाइम में, TA = TB। वो कह रहा है यदि यात्रा पूरी करने में a को 20 से 15 मिनट अधिक समय लेता है, तो ये अधिक लेता है, तो कम वाले में अगर 15 मिनट हम जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा, तब बराबर चिन्ह हम लगा पाएंगे। b वाला तेज चल रहा है तो कम समय लेगा,
तो यहां बीच में बराबर का चिन्ह लगाना है, तो जो कम होगा उसमें जोड़ दें या जो ज्यादा होगा उसमें घटा दें। तो 15 मिनट अधिक समय लेता है ये वाला, तो यहां 15 मिनट को हम घंटा में कन्वर्ट कर लिए हैं 60 से भाग देकर। अब सब घंटा हो जाएगा हमारा, ये अधिक समय लेता है, इसमें से आप घटाइए तब यहां बराबर चिन्ह लगा पाएंगे, या कम वाले में आप जोड़िए। और ये 15 मिनट था तो घंटा में बदलने के लिए हमने 60 से भाग दिया। अब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी x मान लिए हैं और चाल आपका है 40, बराबर चिन्ह लगाई, फिर दूरी है x, दूरी बटे चाल लौटता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, प्लस 15 एक के 15 चौका 60, इसको इस तरफ ले आके घटा लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, 1/40 माइनस 1/50 बराबर है 1/4। तो ये है 200 एलसीएम ले लेते हैं इनका, 0 × 4 = 20, 5 आया, 5 × 20 बराबर 1/4 है, तो 5 × 4 = 1, तो इस समय आ रहा है एक्स गुणे 1/200 बराबर है 1/4, तो 200 यहां चला जाएगा, एक्स बराबर 200/4, 4 × 20, 50 किलोमीटर। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो विद्यार्थी आप इससे कॉपी कर लीजिए, तो फिर एक और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में कुल 47 मिनट लेता है, कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी? यहां देखें विद्यार्थी, तो 3 समान ABCD, तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 3 किलोमीटर, ये जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 समान दूरियों को तय करता है और कुल 47 मिनट लेता है। तो ये देखिए T1 + T2 + T3 बराबर 47 मिनट, और उसमें 60 से भाग देकर हम लोग घंटा में बदल लिए। क्यों? क्योंकि सब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। बस विद्यार्थी खत्म हो गया। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो x बटे 3 प्लस x बटे 4 प्लस x बटे 5 बराबर 47/60। यस, तो x कॉमन ले लेंगे यहां पे, तो 1/3, 1/4, 1/5 बचा, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 × 3 = 12, 5 = 60, इसका एलसीएम आ गया, और 3 × 3 = 20 आ जाएगा, प्लस 4 × 1 = 4 × 5 = 20, 15 आ जाएगा, 5 × 60 इतना बराबर है 47/60। तो यहां से ये तो कैंसिल हो गया, और ऊपर वाला जोड़ लीजिए कितना आएगा, 20 + 10 = 30 + 10 = 40 और 5 × 2 = 47, ये पूरा कट रहा है, तो x गुणे 47 बराबर 47, यहां से कैंसिल, तो x बराबर है 1 किलोमीटर आया, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा विद्यार्थी, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो टोटल दूरी कितना हो गया, 3 किलोमीटर। इस आधार में विद्यार्थी ऑप्शन बी करेक्ट है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही, और अगले टाइप का क्वेश्चन लेकर फिर आने वाले कल में हम आएंगे। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।